न्यूज़ फुल सिटी में आपका स्वागत है। बास्केटबॉल प्लेयर सो ही इज क्रिएटेड अ हिस्ट्री, सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि मैं आज सब आपके सामने आपके बीच में बैठा हूँ और वी बोथ आर पंजाबी, सो इट्स एक ऑल थी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो इट्स अ गुड थॉट, पाजी ने सोचा कि ABH के साथ साथ हम डिफरेंट काइंड ऑफ हर तरह के स्पोर्ट्स मैन, नॉट इवन बॉडी बिल्डर और NBA और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन हैं हिंदुस्तान जो मिलनी चाहिए मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्रमोशन के जरिए। और हमारी जो रीच है स्पेशली वो जो जितने भी रूरल एरियाज हैं हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ तक पहुँचें और वो अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी स्पोर्ट्स, चाहे कोई भी गेम खेल रहा हो, हॉकी खेल रहा है, रेसलिंग खेल रहा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड थैंक्स फॉर, थैंक यू वेरी मच। And I will say thank you for what I did for my country, because I'm never think about that. I was that far, I was that many, and I was something for my country. My dad is the same age, just keep hard working, and I was born next to my village. And I just keep hard working on Louisiana. I just started over there, then I go to the US, then I play over there, then I get land, get up. I think it's the biggest thing for the kids, they don't open the gate, because like 73 years old, more changes in the NBA. And it's a great opportunity for the kids, because they can see the dream, it comes true, you know. So I'm happy, so I did something good for my kids, and for my family, for my coaches who helped me here, and who gave me a great opportunity to play for 5 years, and I'm IMG Kevin, and IMG Atlanta. ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट अप ऑल द इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अरे एकेडमी आप ग्रैंड थिएटर में खोली नहीं थी, वाटर पॉइंट की जो आपने एकेडमी खोलने की बात की है, तो ग्रामीण क्षेत्र में खेलेंगे कि उसको खोलेंगे कि वाटर पॉइंट की? नो, एनी सिटी, आई मीन वेयर एवर वी फील लाइक अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ लाइक 2 डेज अगो हम यू नो MCD के साथ हम 5 स्कूलों में गए, इंडिया स्पोर्ट्स डे था कल, आप सबको पता होगा। तो डे बिफोर यस्टरडे MCD के हम 5 स्कूलों में कवर किया, जहाँ पे यू नो गरीब बच्चे जितने पढ़ रहे थे, हमारे को बहुत खुशी मिली। और उसके बाद जो MCD के चेयरमैन हैं सुरेंद्र सर, उन्होंने हमारे को यू नो ये भी बोला कि इज मोर देन विलिंग टू गिव अस यू नो स्पेस इन एनी ऑफ द स्कूल्स और इवन यू नो 2 स्टेडियम्स। सो हमारी बातचीत चल रही है और आने वाले टाइम में दिल्ली में या यू नो हमारा टारगेट यही रहेगा, सतनाम लुधियाना को बिलोंग करते हैं, चाहे लुधियाना हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ पे पहले हमारे को सरकार की तरफ से या यू नो कोई लोकल अथॉरिटी से हेल्प मिलेगी, वहीं पे हम जरूर अकेडमी खोलेंगे। बट अगर आप प्राइवेट अकेडमी की बात करें, वो प्लान हमारा यू नो नेक्स्ट अगले 6 महीने के बाद हम उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में लाएंगे। थैंक यू। आप इंडिया में खेले हैं, उसके बाद NBA में खेल रहे हैं और बड़े लेवल की बास्केटबॉल खेल रहे हैं अब आप, तो आपको क्या फर्क नजर आ रहा है और इंडियन बास्केटबॉल के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करने जा रहे हैं? कुछ ऐसा है आपका कोई प्रोग्राम कि इंडिया में बास्केटबॉल को पॉपुलर बनाया जाए, अच्छे खिलाड़ी निकाले जाए? आप जैसे 8-10 खिलाड़ी भी हो तो इंडिया की बास्केटबॉल सुधर सकते हैं। देखो अमेरिका में जो बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे हर जो प्लेयर उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है, उसको जो चाहिए वो मिलता है उसको, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, खाने पीने का चाहिए, जैसे अगर उसको चोट लगी है उसके लिए डॉक्टर है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी वो भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, वो सबसे पहले ले जाना चाहिए, क्योंकि जी अगर हम लोग बाहर से कोचेज लेके यहाँ पर खिलाएंगे, यहाँ पर बोले हम बाहर से कोचेज लेके आए हैं और इंडिया टीम के लिए, इंडिया के जो प्लेयर है वो कभी बाहर गए ही नहीं है, उस कोचों के पास कभी खेले नहीं है, तो कैसे वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे कोचों का? वो हमेशा जो है 10 महीने पिछले 5 साल से 4 साल से वो इंडिया में रह के खेल रहे हैं, तो बाहर से कोच लेके आएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। जो यहाँ के जो कोचेस हैं उनको थोड़ा करना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे बास्केटबॉल है पहले जो जितने भी प्लेयर है उनको सब कुछ मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं,
उनको खाने पीने का, रहने का, प्रोटीन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, चाहे उनको जैसे डाइट हो गया, चाहे उसको कुछ कपड़े चाहिए या उनको कुछ पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो चीज नहीं मिलेगी तो प्ले नहीं कर सकता। जगह वहाँ पर अमेरिका में ऐसा है, जगह कोचेस है, प्लेयर्स है, वो सब टुगेदर है, वो एक दूसरे को कुछ देने बोलते हैं, मैं जैसे सीनियर हूँ, मैं जैसे बड़ा हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट है, वो चीज़ जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे बोलते हैं मैं जैसे बड़ा हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। हम ये गलती से किसी को गाड़ी भी निकालते हैं गेम में, वो तो निकलेगी निकलेगी, जब वो गलती करे तो गाड़ी जैसे निकालता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तुमने मेरे को मैं जैसे बड़ा हूँ तो गाड़ी कैसे निकाल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जे अगर कोई प्लेयर खेल रहा है उसको गलत बोले कि इसको निकाल दो बाहर, जो अच्छा नहीं खेल रहा वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। अमेरिका में होता है जब वो अच्छा नहीं खेल रहा उसको प्ले बोला कोई बात नहीं, अब नहीं खेल रहा अगला खेल, अगली बात है अगली बात है, और मोटिवेट करते बंदे को, और बंदा अगर खेलता नहीं है और बंदे को नीचे नहीं फेंकते, यहाँ पर सिर्फ बच्चे को प्लेयर को हर बार नीचे फेंकते तो अच्छा नहीं खेला, फिर वो बाहर उठा लिया, डिफेंस में उठा लिया, वो सबसे बड़ी गलत बात है। लेकिन आपको लगता है इंडिया की बास्केटबॉल में फ्यूचर है? आप देखा होगा आपने प्लेयर्स को, टीमों को देखा है, फ्यूचर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर सभी जगह पे है, ऐसा हर टीम में फ्यूचर है, यहाँ पे बास्केटबॉल में फ्यूचर है, जब उनको राइवलरी देखा जाए तो, जब उनकी हेल्प की जाए तो, क्यों यहाँ पे इंडिया में, हमारे पंजाब में, इंडिया में कहीं पे भी दे लो, किसी भी सिटी में दे लो, अच्छे अच्छे प्लेयर है, जब उनकी थोड़ी सी मदद की जाए ना वो आगे आ सकते हैं। जे मैं एक छोटे से गांव से निकला हूँ, यहाँ पे 800 प्लेयर सिर्फ फैमिली रहती है, तो मेरे को क्या मानना था वहाँ पे गॉड हूँगा या आज तक मैं सबसे पहला इंडियन प्लेयर बनूंगा, मैंने कोई सोचा भी नहीं था, पर मैंने जगह मेहनत की, जगह मेरे को मेरे कोचों ने मेरी हेल्प की तो मैं जहाँ तक पहुँचा। बस थोड़ी हेल्प चाहिए, और गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाए, चाहे किसी आदमी से हेल्प मिल जाए प्लेयरों को, अभी वो प्ले कहीं पर भी जा सकते हैं। इंडियन बास्केटबॉल इससे काफ़ी फर्क पड़ सकता है, जितने भी जैसे भी पहले तो कोई अकेडमी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ एक ही अकेडमी थी लुधियाना में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बास्केटबॉल की, और उसके पहले उसके बाद जैसे कि अभी एनबीए अकेडमी खोली है, और वहाँ पे जैसे कि 15-20 प्लेयर उन्होंने बैठे हुए हैं अच्छे, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक अकेडमी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं दिल्ली में अकेडमी खोली, मैं चाहता हूँ हर कम से कम 3-4 स्टेट छोड़ के उन्हें अकेडमी में चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और जब आई थिंक 80% ही बच्चे नशे में जा रहे हैं, गलत काबू में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको बताते नहीं हम लोग फ्यूचर कहाँ पे है, हमारा फ्यूचर सिर्फ स्पोर्ट्स में है, चाहे वो कोई भी गेम हो, ये भी सिर्फ बास्केटबॉल खेल रही, किसी भी स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं। Within our country, obviously, without government support, is not the infrastructure के लिए use करने के लिए उनके पास skilled trainers नहीं, ठीक है? तो हमने यही government को propose किया है कि हम अगर हमें infrastructure मिलता है, तो हम वो infrastructure को use कर सकते हैं, ठीक है? ये star players को use कर सकते हैं, skilled trainers को use कर सकते हैं, उन और players तैयार करने के लिए। Definition क्या है जैसे? देखिए दो एमच्योर, दिस इज वन लीग इज एमच्योर लीग, जब एमच्योर में आप वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स का वो टाइटल जीते हैं, देन यू बिकेम अ टर्नर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, जैसे कि विजेंद्र सिंह की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चले गए, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीग इन प्रोफेशन, सो आई एम फर्स्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर फ्रॉम इंडिया। लेकिन एमच्योर में भी आपने बॉडी बिल्डिंग की होगी? जी बिल्कुल, एमच्योर से ही होकर जाना पड़ता है। 2010 में किस बॉडी के? सुपर हैवीवेट। जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी IFBB बॉडी है, नहीं इनके सेक्रेटरी है संजय गोरे साहब, 28 साल में महाराष्ट्र वाला, तो IFBB की मान्यता सिर्फ किसी बॉडी को प्राप्त है जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन है। अगर किसी एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पर अपना कैरियर बनाना है, कोई सोचता है कि मुझे प्रो बनना है, मुझे वर्ल्ड में जाना है, ओलंपिया, अभी एमच्योर ओलंपिया हो रहा है 14-15 अक्टूबर को मुंबई में, तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से ही जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोगों ने धंधा बनाया हुआ है, 8-10 फेडरेशन है, नॉट इन ओनली बॉडी बिल्डिंग, हर स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं, बट इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन इज ओनली फेडरेशन जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग की मान्यता प्राप्त है, जिसमें आर्नोल्ड से लेके आज तक फिर ही जैसे बॉडी बिल्डर जिनके साथ अभी हम लोग जाके मैं खेलता हूँ,
तो वो एथलीट्स अगर उस फेडरेशन से खेलते हैं और अगर किसी हिंदुस्तानी बॉडी बिल्डर को वहाँ पे जाके प्रो बनना है, उस लेवल पे खेलना है, तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन फेडरेशन फिटनेस फेडरेशन से ही जो यू नो इंडिया में ला रहे हैं, इसके यू नो प्रयास लास्ट 5 साल से चल रहा था। तो अभी हमारा जो एक्सपो कॉम्पोनेंट है उसका नाम IHFF है, उसके अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो शेरू क्लासिक के नाम से है। एमेच्योर ओलंपिया यू नो वो एक प्लेटफॉर्म है हमारे शो के साथ ही, जिसमें एमेच्योर एथलीट अगर जीतेंगे उनको उसी टाइम प्रो कार्ड मिल जाएगा, ताकि वरिंदर गुमन जैसे और एथलीट्स यू नो हम इंडिया से निकालें जो प्रोफेशनल लेवल पे कम्पीट करें और यू नो देश का नाम ऊंचा करें और पैसे भी कमाएं। ये कब होगा? 13, 14, 15, 13, 14, 15 अक्टूबर बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। सर देखिए हर हर जगह है, नेशनल चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आपका एमचोर के बाद प्रो में डोपिंग टेस्टिंग होती है, आपकी हर जगह डोपिंग टेस्टिंग होती है, वाडा के अंदर होती है, जब नेशनल के अंदर तब नाडा के अंदर है।